ओके एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने लगे हैं KFC स्टाइल के चिकन पॉप्स। थोड़ी सी लंबी रेसिपी है, आपको इंस्ट्रक्शंस सारी लिखनी पड़ेंगी। आई एम श्योर आपको अच्छी लगेगी। सो शुरू करते हैं। एक कप मैं ले रही हूँ बोनलेस चिकन। उसकी सीजनिंग के लिए मैं डाल रही हूँ सॉल्ट यानी कि नमक सबसे पहले। उसके बाद आप इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून ऑफ पेपरिका पाउडर। अगर नहीं है तो आप लाल मिर्च का पाउडर ले सकते हैं, वैसे इजीली अवेलेबल होता है मार्केट में। पेपरिका पाउडर जो है वो रेड शिमला मिर्च से बनता है, इसलिए अगर आप लाल मिर्च का पाउडर ऐड करें तो आपने उसको थोड़ा सा कम रखना है मिक्सर में। उसके बाद आप इसमें ऐड करेंगे कायन पाउडर, ये भी इजीली अवेलेबल होता है मार्केट में, 1/4 टीस्पून। साथ जाएगा इसमें 1/4 टीस्पून ऑफ अनियन पाउडर यानी कि प्याज का पाउडर। उसके बाद आप डालेंगे 1/4 टीस्पून ऑफ गार्लिक पाउडर यानी कि लहसुन का पाउडर, 1/4 टीस्पून ऑफ काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर। साथ आप इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून ऑफ रेड चिली पेस्ट और 1 टीस्पून ऑफ ब्लैक सोया सॉस। इसको अच्छे से मिक्स करें और इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रखते हैं। एक सेपरेट बोल में आपको चाहिए 1/2 कप मैदा, उसमें आप डालेंगे 1/2 कप कॉर्नफ्लावर का, साथ आप ऐड करेंगे 1 अंडा, थोड़ा सा नमक जाएगा और फिर आपने इसको ठंडे पानी से तकरीबन 1/2 कप पानी से आपने इसको मिक्स करना है और एक थिक सा बैटर बनाना है। इसमें भी 1/4 टीस्पून में पेपरिका पाउडर ऐड करी हूँ, साथ जाएगी 1/4 टीस्पून ही मस्टर्ड पाउडर, नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, और 1/4 टीस्पून ही काली मिर्च। इसको अच्छा सा थिक सा पेस्ट बनाएं, इतना थिक होना चाहिए कि चिकन पे स्टिक करे, अगर इतना पतला होगा तो उसके ऊपर उससे बह जाएगा। आपने चिकन इसमें ऐड करनी है और कम से कम इसको 20-25 मिनट के लिए इसमें छोड़ देना है उसके। अब हमें ड्राई कोटिंग के लिए इंग्रेडिएंट्स रेडी करने हैं। उसके लिए आपको चाहिए 1/2 कप मैदा, उसमें आप डालेंगे 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा नमक। अगर इसमें नमक ऐड नहीं करेंगे तो ऊपर की कोटिंग बिल्कुल डल और फीकी होगी। चिकन को मैरिनेट किए हुए 1/2 घंटा हो गया तकरीबन, मैंने इसको बैटर से निकाल के ड्राई इंग्रेडिएंट्स में कोट करना है। आप देख सकते हैं वीडियो में कि कितने अच्छे से मैं उसको ड्राई इंग्रेडिएंट्स में प्रेस कर रही हूँ और उसको बहुत थिक सी आपने कोटिंग देनी है। उसके बाद सेपरेटली किसी बर्तन में आप उसको इकट्ठा करते रहें ताकि जब आप फ्राई करें तो आपका सारा चिकन एक साथ आप उसमें ऐड कर सकें। फ्राइंग के लिए तेल का आपने ध्यान रखना है कि वो इतना गर्म ना हो कि जैसे ही आप चिकन डालें ऊपर की कोटिंग, क्योंकि वो मैदे से बनी है, फौरन से ऊपर से पका दे और अंदर से वो कच्ची रहे चिकन। तेल गर्म हो लेकिन आहिस्ता आंच में आपने इसको फ्राई करना है। पहले 30 सेकंड्स के लिए लेट इट कुक, आपने उसको नहीं हिलाना। उसके बाद इसको टर्न करें, प्रॉपरली इसको ब्राउन होने दें, चिकन को अंदर से पकने दें। एक और चीज़ मैं मेंशन करूँगी, मैंने यहाँ पे फ्रोज़न चिकन ली है जो बाहर से पैकेट्स में मिलती है। उस चिकन का फ़ायदा ये होता है कि वो जल्दी गल जाती है इस तरह की चीज़ों में। अगर आप फ्रेश चिकन लेंगे तो आपको मैरिनेट भी ज़्यादा करना पड़ेगा और आप इसको फ्राई करेंगे तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा। आप देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर कितना परफेक्ट है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। आई एम श्योर कि ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। इसको ज़रूर ट्राई करें और हमें अपना फीडबैक दें। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय बाय।